दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिकल में ड्रिल मशीन क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों ये जो ड्रिल मशीन होता है दोस्तों, मेटल के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, वुड के ऊपर परफेक्टली दोस्तों होल करने के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स का दोस्तों ड्रिल मशीन देखने को मिल जाता है, जैसे दोस्तों ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिल मशीन, सेंसिटिव ड्रिल मशीन, अपराइट ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन। ये ड्रिल मशीन को दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस भी कह सकते हैं। बहुत ही चीपेस्ट रेट में दोस्तों ये ड्रिल मशीन मार्केट में मिल जाता है और इसका मेंटेनेंस खर्चा भी बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन के अंदर दोस्तों बहुत सारा कंपोनेंट्स देखने को मिल जाता है। एक हो गया दोस्तों इलेक्ट्रिकल मोटर, दूसरा हो गया दोस्तों स्पिंडल, तीसरा हो गया दोस्तों चक, चौथा हो गया दोस्तों बेस, पांचवा हो गया दोस्तों कलम या पिलर, छठा हो गया दोस्तों पुली। इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन के अंदर दोस्तों यूनिवर्सल मोटर रहता है। ये जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसका टॉर्क बहुत ही हाई होता है दोस्तों। ये ड्रिल मशीन के जरिए दोस्तों हम लोग कम समय में बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं परफेक्टली। और दोस्तों ड्रिल मशीन के साथ दोस्तों ड्रिल बिट भी रहता है डिफरेंट साइजेस का। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फील्ड में काम करने के लिए ड्रिल मशीन जो होता है दोस्तों बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल्स होता है।